आज हर घर तिरंगा की सरकारी अभियान की बात हो रही है, लेकिन सोचिए एक ऐसा समय भी था जब हर घर पर वाकई तिरंगा लग नहीं सकता था हर समय। बहुत सारे बदलाव हुए 2002 में, जो फ्लैग कोड मौजूदा स्वरूप में सामने आया उसके बाद से एक आम आदमी को अधिकार मिला कि वो अपने घर पर, अपने दफ्तर में, स्कूलों में या कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वहां पर साल के किसी भी समय में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सके। तो अगर आप भी हर घर तिरंगा और तिरंगा अभियान के साथ इस बार जुड़ने का सोच रहे हैं तो हम आपको फ्लैग कोड के चंद प्रावधानों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। हर घर तिरंगा अभियान से पहले 20 जुलाई 2022 को केंद्र ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में एक अहम संशोधन किया। इसके अनुसार दिन हो या रात, राष्ट्रीय ध्वज को खुले में किसी भी समय फहराया जा सकता है। इससे पहले सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही ऐसा करने की अनुमति थी। दूसरा अहम संशोधन पिछले साल हुआ था। इसके अनुसार अब तक केवल खादी से बनने वाला तिरंगा सूती, ऊनी, रेशमी या पॉलिएस्टर का भी हो सकता है। इन दो संशोधनों से पहले जो सबसे अहम बदलाव हुआ था वो था 2002 में, जब आम नागरिकों को अपने ध्वज पर खास अधिकार मिला था। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के क्लॉज 2 के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो सार्वजनिक, निजी या शैक्षिक संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। हालांकि हम आपको बताते हैं कि किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के साथ साथ 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट को भी समझना जरूरी है, ताकि अनजाने में भी तिरंगे का अपमान न होने पाए। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसका सम्मान सर्वोपरि हो, फटा हुआ या गंदा झंडा नहीं फहराया जाए, झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए, यानी सबसे ऊपर केसरी हो न कि हरा, झंडे को किसी के भी समक्ष झुकाया नहीं जाए, तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज उससे ऊंचा न हो, न ही उसकी बराबरी पर हो, फ्लैग मास्ट यानी पोल पर किसी भी चीज को नहीं रखा जाए, इसमें फूल, मालाएं या प्रतीक चिन्ह शामिल हैं, तिरंगा जमीन पर न लगे, न ही पानी में लगे, तिरंगे को दूसरे ध्वजों के साथ न फहराया जाए, तिरंगे का प्रयोग पहनावे का हिस्सा नहीं हो सकता, न ही इसे कुशन, रुमाल, अंतर्वस्त्र में कढ़ाई से बनाया जा सकता है, तिरंगे पर कुछ नहीं लिखा जा सकता, तिरंगे को किसी गाड़ी, ट्रेन, नाव या हवाई जहाज के ऊपर, बगल में, पीछे या सामने के हिस्से को ढकने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तिरंगा अपने देश की शान है, शोभा है, गर्व की बात है, तो तिरंगा हाथ में लेके चलते हैं, तो तिरंगे के मान सम्मान रखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और आगे आगे तक बताना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल करना हमारे संविधान के अनुसार हर नागरिक का अपना एक अधिकार है, पर उसको संभालना भी हमारी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि जी प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद इसे कौन घर लेके जाएगा। अगर आपने लिया है, आपने फ्लैग को टेक किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इवन आप ये मत सोचिए कि कोई और आके उसको हैंडल आउट करेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी अगर मैस हुआ होता तो आपको अपने क्लियर करते हैं, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो या सोसाइटी में भी कहीं ऐसी जगह होती हैं, तो सबसे पहले आपको खुद उसको इनिशिएटिव लेते हुए उसको पिकआउट कर लेना चाहिए और उसको एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर वो इज्जत और मान का अधिकारी हो। तिरंगा हमारे अस्मिता है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा देश की शान है, हमें इस पे नाज है क्योंकि तिरंगा हमारा पहचान है।